हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने प्रेफरेंस भरवाने के लिए लिंक खोला। 2 अक्टूबर तक भर सकेंगे। ग्रुप 56-57 में लगभग 7800 के सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक कटेंगे। दोस्तों, आयोग ने ग्रुप संख्या 56-57 के लिए पेपर ले लिया है। इनका रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ है। ग्रुप 56 के पेपर में 41 सवाल रिपीट हो रखे हैं। ये मामला अदालत में लंबित है। जितने उम्मीदवार इन दोनों ग्रुप के लिए योग्य थे, उनमें जिन्होंने आर्थिक सामाजिक मानदंड के अंक क्लेम किए हुए थे, उनकी वेरिफिकेशन आयोग ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी से करवाई है। वेरिफिकेशन में पाया गया है कि 7496 उम्मीदवारों के परिवारों में सरकारी नौकरी नहीं थी, मगर उनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपये से ज़्यादा थी। इसी तरह लगभग 300 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके परिवार में सरकारी नौकरी थी। लगभग 167 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अनुभव के अंक क्लेम कर रखे हैं, मगर उन्होंने प्रमाण पत्र आवेदन के समय अपलोड नहीं कर रखे। अगर ग्रुप 56-57 का रिजल्ट घोषित होता है तो इन उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक नहीं मिलेंगे। आयोग ने अंतरिम तौर पर यह रिपोर्ट तैयार कर ली है, मगर इसका प्रयोग चयन के समय पर होगा। 2,11,000 का डाटा भी हो रहा है वेरीफाई। आयोग ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी को 2,11,000 उम्मीदवारों का डाटा भेज रखा है। इन उम्मीदवारों के सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों की वेरिफिकेशन हो रही है। आयोग इस डाटा को बैक एंड के तौर पर इस्तेमाल करेगा। मामला अदालत में लंबित है। अगर अदालत ने बिना वेरिफिकेशन के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तो जल्द ही इस पर वेरिफिकेशन होगी।